नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेवाड़ी के सराफा बाजार में बीती 28 अप्रैल को दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर सराफा व्यापारी से हुई लाखों की ज्वेलरी और नगदी की लूट के विरोध में व्यापारी रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोदी चौक पर धरने पर बैठे हैं। 6 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मूसेपुर दोनों धरना स्थल पर पहुंचे और व्यापारियों को आश्वासन दिया कि लूट का आरोपी जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होगा, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने व्यापारियों से धरना समाप्त करने की अपील की, जिसके बाद व्यापारी अभी धरना स्थगित करने पर सहमत हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सुनील मूसेपुर ने व्यापारियों को बाजार में अपने निजी खर्चे पर 4 CCTV लगवा कर देने की घोषणा भी की है। इसके लिए व्यापारियों ने दोनों नेताओं का आभार व्यक्त किया। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। 28 तारीख का ये मामला था, दिन दहाड़े जो डकैती, क्या कह रहे हैं आज ये हमारा ये डकैती को छठा दिन है। कल हमारा एक व्यापारी का प्रतिमंडल ज्वेलर्स का और अदर्स व्यापारी SP साहब से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि हम खोजबीन में लगे हुए हैं, इसमें STF SI की टीम लगी हुई है, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 6 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना हमको कोई आश्वासन मिला। आज कल एक मैसेज बयान हुआ था कि भाई सत्ता, हम भी, हमारा भी यही है कि आज तक सत्ता पक्ष का कोई भी हमारे व्यापारी की सुध लेने नहीं आया। उस बयान के बाद आज हमारे BJP के 70 रोड के मिलने आ रहे हैं, लेकिन क्या व्यापारियों से इतनी दुखी है सरकार की, व्यापारी के सुख दुख में कोई साथ नहीं आ रहा हमारे। हमको जहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है, अब हम सब एसोसिएशन से मिलकर बात करेंगे, 2 दिन का इनको टाइम देंगे, अपनी मीटिंग रखेंगे, नहीं तो फिर एक बार दोबारा बाजार बंद करने की। एक आश्वासन दिया था पुलिस, हाँ बनाई है, लेकिन अभी बंदे हैं वहाँ। लेकिन हमने पहले भी मांग रखी थी, वो भी 2-4 दिन चली थी, धरना खत्म हुआ अभी हट गई थी। अब ये कितने दिन चलती है इतना हमको नहीं पता। अभी पहले भी हमने राइडर की मांग करी, 1-2 दिन चलती है फिर बंद हो जाती है, कंटिन्यू कितनी रहेगी ये नहीं पता। अभी भी कार्रवाई नहीं होती, दोबारा बाजार बंद रखें। व्यापारियों का बड़प्पन है कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इस धरने को समाप्त करने का काम किया। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी से चोर गिरफ्त में होगा और उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपने भी अपने मिट्टी को बात, हाँ मैं समझता हूँ, यहाँ 4 चौक पड़ते हैं, इन 4 चौक पर अगर 4 दिशाओं में 4-4 कैमरे लग जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। करीब करीब 20 कैमरे बनेंगे। देखो सरकारी तंत्र से पैसा आएगा वो तो हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, वो तो पहले ही जानता, लेकिन मैं अपने निजी कोष से कल सुबह यहाँ कैमरे लगाने के लिए आदमी भेज दूंगा और वो लगा देंगे। कैमरे तो पहले भी लगाए गए थे मार्केट के अंदर, अभी भी शॉर्ट टाइम नजर आ जाए, लेकिन ज़्यादा टाइम बचती नहीं, वो इसलिए नहीं कर पाए, उसकी निगरानी रखने के लिए सरकारी तंत्र जिंदा है यहाँ पे, जो कि लापरवाही कर देता है। मैं यहाँ वो जो कमांड है उसकी कैमरों की, वो किसी निजी दुकानदार के हाथ सौंपेंगे ताकि वो उसकी देखरेख कर सके। नेताजी 5-6 दिन हो कम से कम चोर पकड़े जा रहे थे, अब तक पकड़े नहीं गए, क्या किसकी डील, क्या डील लग रही है आपकी? चोर अकेला था, उसे तो लूपोल नहीं निकला, थोड़ा देरी हो रही है लेकिन पकड़ में आ जाएगा। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी, कि यूपी की तरफ से जैसे योगी जी ने कराया है काम, वहाँ से चोर उचक्के निकल के इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनके रास्ते हरियाणा में भी रोके और हरियाणा में वही प्रतिक्रिया दोहराए जो यूपी में जो है योगी जी ने, ताकि हरियाणा में भी इस बात का खौफ हो कि गुंडा बदमाशियां पैदा ना हो सके। सख्ती करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम जैसे यूपी में योगी जी कर रहे हैं तो वहाँ से जो खलबली मच के लोग भाग रहे हैं, गुंडे बदमाश जो भागेंगे वो हरियाणा में आएंगे, सबसे अच्छा स्टेट यही लग रहा है उनको, तो यहाँ भी जरूरत है उसी तरह की सख्ती की, ताकि यहाँ से गुंडा तत्व और आके सरक जाए, यहाँ तो छोड़े कम से कम। योगी जी की तरह के आज कितने साल हो, पहले नहीं ले लेना चाहिए था ये डिसीजन? आपके आश्वासन पर व्यापारी ने धरना स्थगित किया, क्या कहते हैं? देखिए ये व्यापारियों का बड़प्पन है, जिस पे इतना विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी जब जिस दिन ये घटना घटित हुई और अगले दिन जो है मार्केट को बंद करने की कॉल जो आई थी, मैंने निवेदन किया सब लोगों से, उस दिन भी सब लोगों ने मेरे निवेदन को माना। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और आज मैं विश्वास दिलाने आया था कि पुलिस प्रशासन पूरी तौर पर लगा हुआ है, जल्दी से जल्दी उस बदमाश को, उस चोर को, उस डकैत को हम पकड़ के सबके सामने लेके आएंगे, आप उस पर विश्वास करें। और आज इन्होंने मेरी बात पर पुनः एक बार विश्वास करते हुए धरने को समाप्त किया है। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से इनको विश्वास दिलाता हूं कि जो इन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं 100% खरा उतरूंगा, प्रयास नहीं करूंगा, खरा उतर के दिखाऊंगा। व्यापारी की मांग है कि लगातार यहां पर जो है एक बीट बनाई जाए, परमानेंट बना दी वो बीट बना दी। अभी यहाँ पर बीट का भी, अभी जो यहाँ बैठे थे हम लोग, BSP साहब अमित भाटिया जी थे
तो अभी पुरुषोत्तम जी जो यहाँ एसोसिएशन के प्रधान हैं उनको कहा है कि आप जगह बता दो, जहाँ आप सब जगह बता दोगे वहीं पर जो है हम गेट बना देंगे। तो अभी अभी ये तय किया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।